मैं ज्ञान सिंह। अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा है वर्क एंड टाइम, आज फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे उस पर, जब हमारा किसी काम को एक ग्रुप में कोई लोग काम कर रहे हैं, यानी कुछ वर्कर्स एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं और बीच पे छोड़ के चले जाते हैं या बीच में ऐड हो जाते हैं, तो जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे सारे ट्रिक्स देखेंगे और उनकी मेथड देखेंगे कैसे उनको सॉल्व करते हैं। और प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और जो लोग यूपीएससी या स्टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम को। अब देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। एक यानी कि एक क्वेश्चन है कि ए वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 100 days बाई सम वर्कर्स How your absence of some workers it completed in 110 days. Find the original number of workers. क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम को 100 लोग पूरा कर सकते हैं, नहीं, एक काम को कुछ मजदूरों के द्वारा 100 दिन में पूरा किया जा सकता है, जबकि कुछ लोग कुछ वर्कर्स के अनुपस्थिति के कारण यह काम 110 दिन में पूरा किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके जो वर्कर, एक आदमी नहीं यानी कि एक मजदूर नहीं काम कर रहा, यानी एक यहाँ पे क्या है, ग्रुप में काम किया जा रहा है, यानी कि कोई ग्रुप है जिसमें से एक ग्रुप के द्वारा एक काम किया जा रहा है जो आपके 100 दिन में पूरा किया जा रहा है। तो जब इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती हैं उनमें हम क्या कहेंगे, देखिए वर्क तो यहाँ पे देखिए जो वर्क वो वही सेम वर्क को काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखिए आपको क्या, वर्क सेम है, तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम वहाँ पे हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम वर्क को इक्वल कर दें, यानी दोनों केस में जो वर्क होगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, वर्क चेंज हो नहीं रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कह दें कि स्टार्टिंग में जो वर्कर्स थे, यानी जो स्टार्टिंग मजदूर थे वो एक्स थे, यानी अगर हम ये ले रहे हैं कि जो स्टार्टिंग मजदूरों की संख्या है वो कितनी है, एक्स है। तो देखो जब एक्स पर्सन है 100 डेज में पूरा करे, तो जो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 100, यानी कि एक्स मजदूर 100 दिन तक काम कर रहे हैं तो इतना काम होगा। अब जब 10 मजदूर निकल जा रहे हैं यानी प्रेजेंट नहीं है, तो देखिए कितने वर्कर्स बचे, एक्स माइनस 10। अब इतने लोग कितने दिन में काम पूरा कर, 110 दिन में, तो ये हो जाएगा 100। तो अब देखो दोनों कंडीशन में जो वर्क है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो हमने वर्क को इक्वल कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए वर्क 0 से 0 कैंसिल, तो इधर होगा 10x = 11x - 110। अब आप 10x को इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, 11x - 10x = 110, तो ये x = आपका आ जाएगा 110। यानी स्टार्टिंग में जो मजदूरों की संख्या थी वो कितनी है, 110 मजदूर स्टार्टिंग में रहे होंगे,
तो जो आपके इस टाइप की कंडीशंस बनती हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उस पे आपका मोटिव क्या रहेगा कि आपको स्टार्टिंग वर्क एंड यानी स्टार्टिंग वर्क को फाइनल वर्क के क्या इक्वल कर देना है। सिंपल सा हमें यही हर एक क्वेश्चन में करना है, स्टार्टिंग एंड फाइनल वर्क क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा। जैसे आप वर्ड को इक्वल कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 10 men Ten men can complete a piece of work in 4 days. Then find how many workers are complete the 8 times work, 8 times work in the half of time. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तब बताना है, ये तो आपको बताना है कि हाउ मेनी वर्क, यानी कितने आदमी इस जो काम हो रहा है उस काम का 8 गुना काम को आधे समय में पूरा कर दें, यानी जो प्रीवियस वर्क है उसके 8 टाइम वर्क काम को उसके आधे टाइम में पूरा कर दें। तो देखिए यहाँ पे वर्क को क्या, इस केस में क्या किया कि आपका जो वर्क है उसको चेंज कर दिया, यानी कि दोनों केस में आपका वर्क सेम नहीं है। तो देखिए फर्स्ट जब केस में कह रहा है कि जो हमारा वर्क है 10 आदमी है, यानी 10 आदमी कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, 4 दिन में। अब जब देखिए सेकेंड केस में कह रहा है कि जो आपका प्रीवियस वर्क उसका 8 गुना वर्क, यानी 10 into 4 किसका 8 times वर्क को कितने लेवर पूरा करेंगे। तो यहाँ पे इस केस में देखिए कि क्या करें, जो फर्स्ट है यानी 10 men कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में। अब इसका हमें कितना टाइम्स काम करवाना है, 8 times काम करवाना है। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारे पर्सन है यानी जो वर्कर्स उनकी संख्या x है, तो यहाँ पे x यहाँ कह देंगे x men हो गए इंटू, अब आपका कितना टाइम है यानी आपको हाफ ऑफ द टाइम यानी जो आपका प्रीवियस टाइम लगा था उसके आधे टाइम पे आपको पूरा करवाना, तो यहाँ पे आपका टाइम कितना हो जाएगा, 2 days, 2 दिन में आपको काम करना है। तो अब इसको देखिए सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 जा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160। यहाँ पे वर्कर्स है तो यानी 160 वर्कर, यानी 160 आदमियों के द्वारा जो काम है वो पूरा कर दिया जाएगा यानी कि 2 दिन में उसका 8 गुने का। इसके बाद और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 20 men कैन कंप्लीट ए वर्क in 18 days
आफ्टर वर्किंग थ्री डेज फाइव मैन आर ज्वाइन देन फाइंड हाउ मेनी डेज रिक्वायर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। यानी 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं आफ्टर वर्किंग 3 डेज, यानी 3 दिन काम करने के बाद 5 आदमी और जुड़ जाते हैं, तब बताना है कि जो रिमेनिंग काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन पे क्या कह दिया है कि यहाँ पे आदमी आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट केस में जो हमने देखा था उस पर क्या हुआ था, स्टार्टिंग से ही आदमी जो वर्कर्स थे अब्सेंट हो गए थे, लेकिन इस केस में क्या, स्टार्टिंग में 3 दिन तो काम हो रहा है, 3 दिन तक कोई एडिशन या कोई रिमूविंग नहीं हो रहा मजदूरों का, 3 दिन के बाद आते हैं कितने, 5 मजदूर, यानी कि जो 5 वर्कर्स 3 दिन के बाद आते हैं। तो जो इस टाइप की क्वेश्चन है तो उसमें देखिए हमारे 20 आदमी अगर वर्क लें 20 मैन इंटू कितने दिन में काम कर रहे हैं 18 दिन, तो ये आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्क, यानी अगर आपको टोटल वर्क है तो इतना हो जाएगा, लेकिन 3 दिन में वो कुछ काम कर चुके होंगे तो जो 3 दिन का रिमेनिंग या 3 दिन का जो वर्क होगा उनका क्या हो रहेगा, तो जो वर्क कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन में, तो 20 आदमी कर रहे हैं कितने 3 दिन में, तो इतना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग वर्क होगा वो क्या होगा, इसको माइनस कर देंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मैन इंटू 15, 18 में 3 माइनस जाएगा तो 15। एक तो देखिए ऐसे आप रिमेनिंग वर्क निकाल सकते हैं, और इस पर कितने मजदूर इसके बाद आ रहे हैं आपके, 5 आदमी और आ रहे हैं, तो टोटल आदमी कितने हो जाएंगे, पहले 20 थे अब कितने हो जाएंगे 25 आदमी, तो यहाँ पे आपको क्या जाएगा टाइम। एक तो देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 4 5 5 5 3 यानी जो टाइम लगेगा आपको कितना लगेगा 12 डेज। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक और मेथड है इसका कि आप क्या करिए कि डायरेक्ट यहीं पर रिमेनिंग वर्क, अगर हम रिमेनिंग वर्क निकालें तो देखिए वर्क आपका कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 20 आदमी के द्वारा 18 दिन में कंप्लीट होगा, इसमें से 3 दिन का काम आपने कर लिया, यानी अब आपके पास कितने दिन रिमेनिंग बचे 15 डेज, तो आपके पास जो रिमेनिंग वर्क एंड टाइम कितने, सॉरी वर्कर्स यानी कि आपके कितने आदमी है इसके बाद टोटल मैन, तो यहाँ पे देखिए रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 20 एम इंटू कितने दिन बचे हुए 15 डिवाइड बाई, अब टोटल आदमी कितने हो जा रहे हैं 25, तो आप डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 5 4 जा एंड 5 5 3 जा, तो आपका क्या हो जाएगा ये 12 डेज। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जो उससे भी छोटा आपका तरीका है। इसके बाद एक और दूसरे तरीके क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये तो भी सिंपल से एक एक ग्रुप था, अब हम बात करते हैं जब डिफरेंट ग्रुप गिवेन हो, जब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप गिवेन होते हैं तो उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, इफ 4 मैन completed a piece of work in 7 days working in 8 hours per day then how many days are required to complete
by 5 men with working hours per day। यदि चार आदमी किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं पर डे 8 घंटे काम करके, तब हमें बताना है कि इस काम को 5 आदमी कितने दिन में पूरा करें यदि वो 12 घंटे पर डे काम कर रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन पे क्या यहाँ पे गिवन है कि चार आदमी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 men कर रहे हैं काम पर 7 दिन में कर सकते हैं, कितने घंटे पर डे काम कर रहे हैं 8 आवर्स। तो ये आपका क्या आ गया वर्क हो गया, ये हो गया आदमी की एफिशिएंसी और ये हो गया टाइम, तो ये आपका क्या हो गया वर्क। सेकेंड केस में क्या है कि 5 आदमी आपके काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे टाइम आपको गिवन है कितने दिन में करेंगे, लेकिन ये गिवन है कि पर डे वो 12 आवर्स कर रहे हैं। तो देखिए ये सेकेंड केस का वर्क हो गया, फर्स्ट केस का वर्क हो गया, दोनों वर्क को क्या कर दें इक्वल कर दें, तो हमारा निकल आएगा कि जो हमारा वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4, 3 जा 12 एंड तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 7 जा 56 डिवाइड बाई 15, यानी जो आपका वर्क है 56 डिवाइड बाई 50 डेज, इतने दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। तो जो इस टाइप के जब आपके दिन गिवेन हो इसके बाद पर डे की वर्किंग आवर्स गिवेन हो, तो वर्किंग आवर्स का सिंपल आप क्या करना है सिर्फ जो आपका वर्क है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जो टाइम है उसमें सिर्फ वर्किंग आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना, और पूरा मेथड जो प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे वही सारा मेथड होगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं होगा। अब एक और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ 40 men और 60 women कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days then find how many days required to complete the work by 10 men and 10 men and 5 women। अब देखिए इस क्वेश्चन पे जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उस पे हम सिंपल से ये ध्यान देना है कि जो आपके वर्किंग गिवन है यानी जो ग्रुप गिवन है उनके बीच में कैसा रिलेशन है। यदि देखिए आपका आर का मीनिंग है, 2 वर्ड एक आएंगे आपको, एक आर आएगा एंड एक एंड आएगा, यानी आर का मीनिंग होगा या और एंड और, यानी ये 2 वर्ड का मीनिंग समझिए पहले कि अगर ये आएंगे तो हम क्वेश्चन पे इनका क्या निकालेंगे। देखिए जब आर आएगा तो हमें क्या करना है, जितने मजदूर या जितने वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं उनको क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। जैसे यहाँ पे गिवन है 40 men, तो 40 men की जो इफिशेंसी यानी जो काम करने की क्षमता है वो किसके इक्वल है 60 women की, यानी कि 40 आदमी की जो काम करने की क्षमता है वो 60 आदमी की इक्वल है। आर यानी या का जो सिंपल मीनिंग ये होगा, लेकिन जब एंड वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग क्या है कि 10 आदमी प्लस 5 औरत ये होगा, यानी जो 10 आदमी और 5 औरत कितने दिन में काम कर रहे हैं या उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो टोटल वर्क लिया जाएगा। जब आर है तो उनको इक्वल कर देना और जब एंड है तो उन दोनों को जोड़ देना है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है 40 आदमी 60 औरतें,
किसी काम को कितने दिन पूरा कर ले, 30 दिन में। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 40 आदमी कितने की इक्वल है, 60 औरत की इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम इफिशियंसी निकालें आदमी और औरत की, तो जो आदमी होंगे और औरत इन दोनों की इफिशियंसी कितने जाएगी, 0, 0, 2 and 3 यानी 3/2 आदमी है औरत की इफिशियंसी निकाले। जब एक इफिशियंसी निकाले तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। देखिए अब वर्क कितना होगा, हमें टाइम चाहिए, तो वर्क कितना होगा, 40 आदमी यानी 40 men इंटू कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 दिन में। या तो आप इसको ले लीजिए, ये इक्वल किसके होगा, 60 औरत यानी 60 जो औरत काम कर रहे हैं यानी 60 women इंटू कितने दिन में, 30 दिन में। आप इनमें से कोई भी काम को ले सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई आंसर में चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए हम पहले क्या, ये 40 men इंटू 30 डेज में ये वर्क करते रहते हैं। अब देखिए ये काम कितने के द्वारा कंप्लीट करवाना है आपको, 10 आदमी और 5 औरत के द्वारा काम कंप्लीट करवाना। अब देखिए यहाँ पे M और W की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए जो रेशियो है, रेशियो में M की वैल्यू कितनी, 3 है और वुमेन की वैल्यू 2 है। तो सिंपल से M इक्वल टू 3 पुट कर दो और W की वैल्यू 2 पुट कर दो। जैसे आप ये पुट करोगे तो आपका टाइम निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो टाइम याद आएगा, टाइम इक्वल टू यहाँ पे क्या, 40 into M, M की वैल्यू यहाँ से क्या रखेंगे, 3, तो ये हो जाएगा 3 into 30 divided by अब देखिए 10 आदमी यानी 10 गुणते M की वैल्यू 3 यानी कि 10 into 3 plus 5 और W की वैल्यू 2, तो ये 2 हो गए। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 40 into 3 into 30 divided by 30, 10, 40, तो ये 40, 40 कैंसिल, तो आपका कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 90 days यानी 90 दिनों में आपका ये काम पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपका और क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। If 3 men and 4 women can complete a work in 30 days and 4 men and 3 women can complete it in 25 days, then in how many days are required to complete the work by 10 men and 10 women यानी 3 आदमी और 4 औरतें किसी काम को 30 दिन में कर सकती हैं और 4 आदमी 3 औरत इसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तब हमें बताना है कि यह काम 10 आदमी और 10 औरतों के द्वारा कितने दिन में पूरा हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी जो है सेम प्रोसेस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, एंड गिवन, यानी दोनों केस में एंड गिवन, तो इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है और जो इन 4 आदमी 3 औरतों के द्वारा काम किया जा रहा है, वो दोनों वर्क यानी जो दोनों काम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर दें, 3 men एंड यानी प्लस 4 women इंटू कितने दिन पूरा कर दे रहे हैं, 30 दिन में। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब ये 4 men प्लस 3 women के द्वारा कितने दिन पूरा किया जा रहा है, 25 दिन में। अब देखिए यहाँ पे
आदमी और औरतों के बीच में हम रिलेशन निकाल ले रहे हैं, इफिशियंसी का रिलेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 90m प्लस 120W इक्वल टू, ये यहाँ पे ऐसा कहेगी, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए इसको, 5 6 जा एंड 5 5 जा, तो इधर हो जाएगा 18m प्लस 24W इक्वल टू 20m प्लस 15W। 15 को इधर ले जाए तो कितना हो जाएगा, 9W इक्वल टू, 18 को इधर ले जाए तो 2m। यानी अब देखिए यहाँ पे अगर हम निकालें m बाई डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2। ये आपको क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पे आदमी और औरत की रिलेशन यानी इफिशियंसी के बीच में एक रिलेशन मिल गया। अब आप सिंपल सा क्या करिए, देखिए यहाँ पे जो वर्क है, तीन आदमी चार औरतों के द्वारा वर्क निकाल लीजिए, या चार आदमी और तीन औरतों के द्वारा जो काम हुआ उसको ले लीजिए। तो हम तीन आदमी और चार औरतों के द्वारा काम लेते हैं, तो देखिए यहाँ कितना काम की कर लीजिएगा, 3m प्लस 4 वुमेन के द्वारा काम कितने दिन में पूरा किया जा रहा है, 30 दिन में। और ये काम कितने लोगों के द्वारा पूरा कराना है आपको, 10 आदमी और 10 औरतों के द्वारा, यानी 10m प्लस 10 वुमेन। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो m और w की, तो m की वैल्यू क्या है, 9 है, एंड W की वैल्यू आपकी 2 है। तो यहाँ पे 3 × 9 प्लस 4 × 2 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 10 × 9 प्लस 10 × 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हम कैलकुलेशन इधर कर ले रहे हैं, इसको इरेज की ले रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका 27 प्लस 8 × 30 डिवाइड बाई 10 × 11। यहाँ पे आप 10 कॉमन ले लीजिए और 9 प्लस 2 11, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, और ये आपका हो गया 35 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 11 डेज। इतने दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे जो एक हमारा इसका छोटा सा पोर्शन, यानी जब लेबर की जो मजदूरी होती है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बनती उनको डिस्कस करेंगे, और ये हमारा लास्ट होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका टाइम एंड डिस्टेंस, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपके जो आने वाले वीडियोज हैं आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ओके, थैंक यू।